subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों, अभी हम कुछ questions discuss करने जा रहे हैं. जो theoretical portion था हमारा vectors का, वो तो हम already discuss कर चुके हैं. ठीक है, अब थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. और जैसे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2020, कल जेई एडवांस 2020 का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया, तो बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है ये क्लास में. ठीक है, तो देखते हैं इसको भी, एंड ऊपर भी दो तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखते हैं. देखो, जैसे अब हम ये पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने वेक्टर्स ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लिया है. तो कुछ सोचेंगे, अच्छा ट्रिपल प्रोडक्ट तो पढ़ लिया, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें दो क्रॉस होते हैं, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट. अब यहाँ पे तो चार वेक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट लिखा है, तो इन्हें पे कैसे डील करें. ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह ही है ये भी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है. तो देखो जल्दी से कैसे. देखो जैसे क्या लिखा हुआ है बेटा, ऐसे देखो, ए क्रॉस बी राइट एंड क्रॉस सी क्रॉस डी. ऑलराइट, तो यहाँ पे फोर वेक्टर्स हैं. तो ऐसा करो, एक जो ब्रैकेट के अंदर वेक्टर है उसे ना कोई एक सिंगल वेक्टर मान लो, क्योंकि ए क्रॉस बी भी एक ही तो वेक्टर है, ये दो वेक्टर नहीं है. ए क्रॉस बी कौन है, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी बोथ, राइट और रॉन्ग. ठीक है, ए क्रॉस बी एक सिंगल वेक्टर है जो कि ए एंड बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है. ऑलराइट, तो बेटा बिल्कुल इसका नाम मैं या इसका किसी का भी नाम ले दे सकते हो. जैसे यहाँ पे चलो C क्रॉस D, इसका नाम मैंने E मान लिया, इट इज इक्वल टू वेक्टर E. ऑलराइट, तो मैं बिल्कुल ऐसे कर सकता हूं. तो अब देखो कितनी इजी हो जाएंगी चीजें. अब ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस डॉट दिस इंटू दिस, दूर वाले के साथ जाता है ना डॉट में, तो कैसे ए डॉट ई एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी का कोफिशियंट है, ध्यान रखें ऐसा क्रॉस और डॉट कुछ नहीं है बीच में, ये जस्ट कोफिशियंट है, लाइक टू ई, कोई वेक्टर ई है तो टू ई लिख दूं मैं, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये कोफिशियंट बन रहा है इसका. अच्छा, माइनस ई डॉट बी या बी डॉट ई, बहुत आर सेम थिंग, बी डॉट ई और ए, यहां पे आ जाएगा ए. ऑलराइट बच्चों, तो ये कौन सा वेक्टर आया, एक ऐसा वेक्टर जो कि बी एंड ए के प्लेन में है, सही बात है या नहीं, विच इज कोलिनियर, सॉरी विच इज कोप्लेनर विद वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी की फॉर्म में आया या नहीं. तो ये जो फाइनल वेक्टर है, मान लेते हैं इसका चलो नाम था आर वेक्टर, तो ये जो आर वेक्टर आया ना बेटा, ये इसके इक्वल आया. ओके, अच्छा अब यहां पर ध्यान से देखो, ई है कौन, ई भी तो पता है हमें, E था कौन, C क्रॉस D, तो इसकी जगह आप C क्रॉस D डाल दो, B डॉट क्या, C क्रॉस D. ऑल राइट बच्चो, ओके, क्या मैं इसको लिख सकता हूं बॉक्स ऑफ A C D, ठीक है, और ये B वेक्टर, B वेक्टर का कोफिशियंट आया बॉक्स ऑफ A C D, माइनस इसे क्या लिख सकता हूं, इसे बेटा मैं लिख सकता हूं बॉक्स ऑफ बी सी डी, और ये किसका कोफिशिएंट है, वेक्टर ए का. तो फाइनली ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी जो इक्वल आया वो आया इसके इक्वल. देखो ए सी डी, ध्यान से देखो, ए सी डी इंटू बी, अच्छा बी सी डी इंटू ए, ऐसे समझ सकते हो, ध्यान से, ए सी डी बी, अब बी सी डी ए, तो फोर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में भी आप ऐसे करके ध्यान में रख सकते हो बच्चों. ठीक है, अगर डायरेक्ट याद रखना है, अगर डायरेक्ट नहीं याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट याद रखने की कुछ खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन याद हो तो बेटर होता है. ऑल राइट, ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम.
दैट इज बॉक्स के अंदर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए है. अब इसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है, इसको कैसे टैकल करना है ये देखते हैं जल्दी से. पहले आप इसको उतार लें जल्दी, फिर देखते हैं. ओके ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं. देखो ए क्रॉस बी, या चलो डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब ये जो बॉक्स लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसको मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी डॉट डॉट बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए. ये बात समझ आती है क्या? नहीं, देखो ध्यान से, ठीक है, ओके. चलिए यहां तक आई होप क्लियर होना चाहिए. देख लो ध्यान से, मतलब जैसे भाई बॉक्स ऑफ एबीसी होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी. सिमिलरली मैंने लिखा है ए क्रॉस बी डॉट दिस क्रॉस दिस, यस, ठीक है. तो बॉक्स तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं. चलिए यहां पर आ गए हम, अब कैसे करें, तो देखो अब कैसे करें. देखिए ये तो वही चीज बन रही है कि नहीं, तो उसी टाइप से कर सकता हूं कि नहीं जैसे अभी बताया था. कैसे कि भाई बॉक्स ऑफ ए सी बी, सॉरी बी सी ए, बी सी ए और कोफिशियंट, मतलब वेक्टर सी, किसका कोफिशियंट बनेगा ये, वेक्टर सी का, ओके. माइनस माइनस क्या, सी सी ए, बॉक्स ऑफ सी सी ए बेटा, एंड वेक्टर कौन, बी. ऐसे ही तो सिखाया अभी, ऑल राइट. चलिए बात समझ आ गई, अब ध्यान से देखते जाओ डॉट. अच्छा ये क्या है, बी सी ए, ओके नो प्रॉब्लम, लिखा रहने दो बी सी ए, और ये सी वेक्टर का कोफिशियंट है जस्ट, नथिंग एल्स. अच्छा ये क्या है बेटा, ये तो जीरो हो जाएगा. मैंने बताया था अगर बॉक्स के अंदर दो वेक्टर सेम हो जाएं तो आंसर जीरो आ जाता है, ऑलराइट. तो सी सी ए है तो आंसर जीरो होगा इसका. तो ये तो बेटा जीरो बन गया, सिर्फ इतना रह गया. अच्छा ये जस्ट एक स्केलर क्वांटिटी, इसे बाहर भी ले लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब बचा क्या, वेक्टर्स, वेक्टर्स में क्या बचा, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ए क्रॉस बी डॉट सी, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज बॉक्स ऑफ ए बी सी. और ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी बॉक्स ऑफ ए बी सी है कि नहीं भाई, साइक्लिक ऑर्डर में है, बी के बाद सी और फिर सी के बाद ए, यस साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है. तो इसको भी हम ए बी सी लिख सकते हैं, एंड बेटा इसको भी हम ए बी सी लिख सकते हैं, और इट इज नथिंग बट ए बी सी स्क्वेयर, हैंस प्रूव्ड, ऑलराइट. तो ये आपको डायरेक्ट याद भी रखना है कि ए क्रॉस बी, B cross C, C cross A is what? ABC square. इसका काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए कह रहा हूं याद रखें. और चार प्रोडक्ट की मल्टीप्लीकेशन भी याद रखें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये वाली, तो ज्यादा बेटर है. देखो एकदम हो गया, अदरवाइज यहाँ पे भी हमें एक एक को करना पड़ता. इसमें हमें एकदम पता था B C A C एंड देन C C A B. ऑलराइट, तो मैंने एकदम से कर लिया, तो इसे याद रखें, अच्छा रहेगा आपके लिए. और जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए पहले ट्रायंगल बनाए, दो ट्रायंगल बनाओ, ठीक है. मान लेते हैं ये पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है बेटा. इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर मतलब ये वाली डायरेक्शन, क्यू आर इज ए वेक्टर गिवन है, आर पी, आर पी मतलब ये बी वेक्टर, एंड पी क्यू, पी क्यू मतलब ये सी वेक्टर. अच्छा ट्राइंगल है और ये दिए हुए हैं ए बी सी, तो मुझे एकदम से क्या लिखना चाहिए, एकदम से लिखना चाहिए या नहीं, ए बी सी इक्वल टू जीरो, दे आर कोप्लेनर वेक्टर एंड सम ऑफ देम विल बी जीरो, सही बात है या नहीं.
भाई ट्राइंगल के केस में जो उसकी साइड्स होती है उनका सम जीरो होता है, ये तो 10 बार बताया आपको। ऑल राइट, चलिए यहां तक तो बात समझ आ गई। या सम सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स इन अ ट्राइंगल इज व्हाट? जीरो, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। ओके, आप देखो मॉड ऑफ ए दिया है, मॉड ऑफ बी दिया है, सी नहीं दिया, पहली बात तो ये ध्यान रखो। दूसरी बात पूछी क्या है, ए डॉट सी ब्रैकेट में सी माइनस बी अपॉन सी डॉट ए, सी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी। मॉड ए मॉड बी ये वाली राइट हैंड साइड तो हमें पता है, इट इज नथिंग बट 3 3 प्लस 4 7, 3/7 है। अब यहां पे ए डॉट सी है, अब मुझे तो एंगल्स पता ही नहीं है ना इनके बीच में। अच्छा ए डॉट बी, ओके सी डॉट ए सी डॉट बी, ये कहां से निकालूं? तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं जब डॉट प्रोडक्ट हमें ए प्लस बी प्लस सी अगर दिया है और डॉट प्रोडक्ट पे वर्क करना है तो यस इसके हेल्प से करते हैं हम सब कुछ। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है जिसका डॉट आपको निकालना है उन्हें एक साथ रखो, बाकी को एक तरफ ले आओ और फिर उनका मॉड्यूलस ले लो, तो द बेटर वे इज उसका स्क्वायर भी कर लो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ ए डॉट बी, और ये मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर। भाई मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर आई डोंट नो व्हाट इट इज क्योंकि दिया हुआ नहीं है, लेकिन बाकी हमें पता है। ये कितना है, ये भाई दिया है मॉड्यूलस ऑफ ए इज कितना 3 एंड मॉड्यूलस ऑफ बी इज 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9 प्लस 16 कितना होता है 25। तो यहां से ए डॉट बी कितना आ गया, देखो वेक्टर सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर को मैं सी स्क्वायर दिखा रहा हूं जस्ट, ठीक है मान लेते हैं सी स्क्वायर के बराबर है। तो सी स्क्वायर माइनस कितना 25 / 2, ए डॉट बी आ गया। क्या सिर्फ मुझे ए डॉट बी चाहिए? नहीं, ए डॉट बी ए डॉट सी भी चाहिएगा। ऑल राइट, ओके चलो इस बार क्या करूंगा, ये तो एक बात हो गई, दूसरी बात हो गई, अब मैं निकालूंगा ए डॉट सी। ए डॉट सी निकालने के लिए मुझे ए सी को एक तरफ लेना पड़ेगा, बाकी बी को एक तरफ, फिर इसका मॉड्यूलस एंड देन स्क्वायर, ठीक है? इस बार यहां पे क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 a.c एंड मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर, एंड बी का स्क्वायर बेटा 16 है और ए का स्क्वायर कितना है 9 एंड सी स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए डॉट सी। तो ए डॉट सी इज नथिंग बट ये कितना हो गया 7 - c² / 2 बेटा, एक चीज आ गई है, ए डॉट सी इज 7 - c² / 2, क्लियर? ओके अब एक रह गया, एक क्या रह गया, ए डॉट बी हो गया, ए डॉट सी हो गया और सी डॉट बी रह गया, तो सी डॉट बी भी निकाल लो, सी प्लस बी माइनस ए स्क्वायरिंग कर लो, ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर एंड 2 times ऑफ बी डॉट सी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, राइट बच्चों? ओके मॉड्यूलस ऑफ सॉरी बी डॉट सी जो है वो मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 9 एंड बी स्क्वायर दैट इज 16, तो 9 - 16 इज -7 एंड -c², तो -7 माइनस मॉड्यूलस ऑफ c² / 2 बेटा ये आ गया b डॉट c। ओके अब इस इक्वेशन का यूज करें, देखो अननोन कौन है यहां पे, डॉट्स जो हैं वो अननोन है अभी a डॉट b एंड ऑल। अभी यहां पे ध्यान दो कि निकालना क्या है, a क्रॉस b का स्क्वायर। अब इसमें दिक्कत क्या है, मुझे ए और बी के बीच का एंगल नहीं पता है, ठीक है? तो लेकिन हम एंगल तो निकाल सकते हैं, अगर मुझे ए डॉट बी पता चल जाए और मुझे मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी तो दिया हुआ है तो मैं वहां से एंगल निकाल सकता हूं, ठीक है? तो फिर यूज कर सकता हूं ये चीज, इसलिए मैं वर्कआउट कर रहा हूं ये सब कुछ, ठीक है? लेकिन ए डॉट बी में आप देख सकते हैं सी है, अगर ये सी ना होता तो फिर तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन सी है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है? तो अब ये अपने आप पता चल रहा है कि सी अननोन है ना, तो उसी के लिए ये इक्वेशन दी गई है सी को फाइंड करने के लिए। तो सी फाइंड हो जाएगा तो ए डॉट बी फाइंड हो जाएगा, ए डॉट बी फाइंड हो गया तो एंगल बिटवीन देम फाइंड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, वैसे तो एंगल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक और रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो भी देख लेंगे अभी।
चलिए ये सारी वैल्यूज इसमें रखने जा रहा हूं मैं इस रिजल्ट में। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए डॉट सी। ए डॉट सी कहां पे है भाई, ए डॉट सी इज दिस। तो मैंने कहा 7 माइनस सी स्क्वायर बाई 2, फिर क्या है ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी। अब ए डॉट बी है तो ये आ गया सी स्क्वायर माइनस 25 बाई 2। नीचे क्या है ए डॉट सी, अगेन ए डॉट सी इज दिस माइनस बी डॉट सी, बी डॉट सी इज दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 7 सी स्क्वायर बाई 2। और ये कितना आया था हमारा 3/7, 3/7, नो प्रॉब्लम। अच्छा 2 से 2 कट कर दो सारे, तो ऊपर कितना बचा ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 7 32 एंड माइनस 2 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट हो जाएगा यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 14 आएगा और ये 3/7। देखो ये कट हो गया 2 से और ऊपर वाला 2 भी हटा दिया इसने, तो क्या आ गया 16 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड सी स्क्वायर इज 13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन डूइंग समथिंग। एक बार और मैं क्रॉस चेक करना चाहूंगा, फिर भी यहां पे सी स्क्वायर एड होंगे तो 2 सी स्क्वायर बनाएगा, बिल्कुल बात सही है। 25 और 7 भी ऐड होंगे तो 32 बनाएंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलो नीचे 7 प्लस 7 14 और सी स्क्वायर गायब हो जाएगा और यहां पे 3/7 है ये 2 और इसने इसे कट करके क्या बना दिया, इसने इसे बना दिया बेटा, बिल्कुल सही है 16 और ये सी स्क्वायर और ये 3 और ये आ गया 13, तो सी स्क्वायर आ गया बेटा 13। क्लियर है? ओके अब मुझे ए डॉट बी निकल जाएगा, यहां पे ए डॉट बी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो अब यहां पे एक मिनट रुको बस, ठीक है, आई होप आई एम डूइंग राइट ठीक कैलकुलेशन। और बाकी कहां पे थे हम, हमें मिल चुका है सी स्क्वायर, अब हमें चाहिए क्या, ए डॉट बी। अच्छा ए क्रॉस बी निकालना है ना फाइनली, तो ये रिलेशन तुम्हें सभी को याद है। अब इसमें ना एंगल नहीं निकालने पड़ेंगे, फिर हमें ए डॉट बी का स्क्वायर होता है दिस, याद होगा डिटरमिनेंट फॉर्म भी बताई थी इसकी। ओके ये आ गया, ठीक है चलिए। तो कैसे करें, अब कैसे करें, तो भाई ऐसा कर लो सिंपल, ये निकालना है हमें और ये मुझे पता है, ये कैसे पता है देखो 13 यहां पे डालो, सी स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है 13 बेटा, ठीक है तो 13 कितना आ जाएगा यहां पे, 13 माइनस 25 कितना हो जाएगा -12/2 -6, तो बेटा -6, तो ये कितना आ जाएगा -6 का स्क्वायर दैट इज 36, ठीक है ये आ गया 36 और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये है ए स्क्वायर 9 9 into 16 144। यहां तक क्लियर है, पहले तो यहां तक क्लियर करो, और अगर यहां तक क्लियर है तो अब बताओ क्या करें, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे और ये आ जाएगा कितना 144 माइनस 36, इज इट करेक्ट, 144 माइनस 36 दैट इज 112। नहीं अरे ये क्या कर दिया, 118 या 108 सॉरी, ठीक है बेटा 108 आ गया। ऑल राइट तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर है ये, सॉरी ए क्रॉस बी स्क्वायर इज 108, ये मेरा आंसर आ गया। ऑल राइट तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो आई डोंट नो, लेकिन फिर आंसर हो सकता है डिफर कर जाए, लेकिन अगर कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो आंसर भी सही होगा 108। ऑल राइट बच्चों, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कुछ, जैसे ये क्या है, ए बी इज 3i + 4j एंड ए सी दिया है 5i - 2j + 4k आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों ना साइड्स हैं ट्राइंगल की। ऑल राइट
देन लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, ए से जाने वाली मीडियन की लेंथ बतानी है, तो वेरी इजी, ये देखो ये हो गया ए बी सी। ओके बच्चों, ए भी दिया है मतलब ए से बी ये दिया हुआ है एंड ए सी भी दिया गया है, और मीडियन थ्रू ए, लेट से इट इज मीडियन, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये m मान लेते हैं बस, m डैश की क्या जरूरत है। तो क्या होती है बेटा, होती है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज टू टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ऑल राइट, यही होता है मीडियन का। ओके नो प्रॉब्लम। तो भाई ए सी स्क्वायर हमें पता है, ए बी स्क्वायर भी पता है, बी एम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बी एम स्क्वायर कैसे निकालें, तो वही ट्राइंगल के दो साइड पता है तो थर्ड तो निकल जाएगी, पहले तो वेक्टर बी एम निकाल लेते हैं। तो ऐसे देख लो भाई, ऐसा होगा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता है, जिस पॉइंट से चलो उसी पे वापस आ जाओ। देखो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ऐसा लिखा है मैंने। अब दिया क्या है, दिया हुआ जो है वो है ए बी, ए बी हमें पता है कितना है 3i 4j, ठीक है। और क्या दिया है, ए सी, लेकिन यहां पे क्या लिखा है सी ए, तो ध्यान से बी सी को एज इट इज रहने दो, इसे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए सी, सी ए क्या बन जाएगा माइनस ऑफ ए सी, तो माइनस ऑफ 5i माइनस 2j एंड 4k इज इक्वल टू जीरो। तो बी सी निकाल सकते हैं हम यहां से इजीली, इसे इधर ले जाओ इसे भी इधर ले जाओ, तो वेक्टर बी सी जो होगा बेटा, वेक्टर बी सी ठीक है, वो कितना होगा, ये कितना है आई आई 2i और j कितना है 6 माइनस 6j और ये माइनस है तो ये प्लस 4k, तो बेटा ये आगे बी सी, ठीक है। ओके तो बी सी बाई टू होगा बी एम, बी सी बाई टू कितना होगा बी एम, तो बी एम कितना होगा, ये होगा बी सी बाई टू दैट इज आई माइनस 3j प्लस 2k। अब इनकी लेंथ निकाल लो बस, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, बाकी तो कर सकते हो। क्यों, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी जो दिया है उसका मॉड्यूलस निकालो, ए सी का निकाल लो, ए बी भी पता है ए सी भी पता है बी एम भी पता है, तो बी एम का स्क्वायर तो ए एम स्क्वायर निकल जाएगा, यही होती है लेंथ ऑफ मीडियन। ऑल राइट बच्चो, ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखो ये ट्राइंगल दिया गया है, ऑल राइट, और कहा है जो x है x माइनस w इज v। अच्छा इस चीज से पता नहीं फायदा हो या ना हो, लेकिन इसे पढ़ते ही मेरे दिमाग में तो ऐसा आ जाता है कि जो x है ना वो v और w के प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि तीन वेक्टर है यहाँ पे x v एंड w, तीनों लीनियर सिस्टम में लिखे हुए हैं, दैट मीन्स ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, अभी तक ये इंफॉर्मेशन है। दूसरा, मैंने जैसे ही फिगर देखा u और v कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो अगर u और v कोलिनियर है ना तो अब x भी कोलिनियर होगा, ये पक्का है, ठीक है, x दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकता। अगर कोलिनियर ना होते, एक वेक्टर ऐसे होता है एक ऐसे, तो मैं बोलता कि x इनके प्लेन में होगा, कहीं भी हो सकता है लेकिन इनके प्लेन में, लेकिन इफ दे आर कोलिनियर तो x भी कोलिनियर विद देम, इनके कोलिनियर होगा, ये पक्का है, ठीक है। ओके अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एबीसी हमें बताना है, जो आंसर बताना है, एक मिनट, इन टर्म्स ऑफ एबीसी बताना है, ठीक है बच्चों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो बहुत इजी सब है ये। तो देखो मान लेते हैं, चलो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो इसके पोजिशन वेक्टर ए, इसके पोजिशन वेक्टर बी, इसके पोजिशन वेक्टर सी, सही है, ठीक है। तो डब्ल्यू वेक्टर, वेक्टर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर डब्ल्यू बी माइनस ए हो जाएगा कि नहीं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बोलो सही है। ओके अच्छा, वी वेक्टर क्या हो जाएगा, वी वेक्टर वी हो जाएगा सी माइनस बी, वेक्टर बी क्या, वी क्या हो गया सी माइनस बी, ऑल राइट ओके। और एक्स क्या दिया हुआ है हमें, एक्स दिया हुआ है डब्ल्यू प्लस वेक्टर वी, ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया v और w कितना है, वेक्टर b माइनस ए
प्लस ये कितना है सी माइनस बी। वेट, ठीक है तो b कितना हो गया भाई, b तो b कट गया और c माइनस ए आ गया, और ये होना भी था, ये होना भी था, क्यों इसने दिया x क्या है v प्लस w, दोनों का ऐड कर दो मतलब ये पूरी, तो डायरेक्ट c माइनस ए भी बोल सकते थे हम इसे, ठीक है। तो ए बी सी की फॉर्म में अगर इसे लिखना चाहते हो तो भाई c माइनस ए लिख लो इसे, यही है आंसर। ओके तो जल्दी से इसे कॉपी करो फिर नेक्स्ट पे आएंगे, ये थोड़ा लेंदी है। चलिए बच्चों जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव करना है ये, ठीक है ये तो मॉड्यूलस है और ये वेक्टर्स हैं, डायरेक्ट वी यू डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, ये प्लस है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ओके ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है तो करते हैं बेटा जल्दी से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने जा रहे हैं हम, राइट हैंड साइड। तो बेटा ये इसका स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस यू डॉट वी स्क्वायर माइनस टू यू डॉट वी, ऑल राइट ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा यू का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस प्लस होगा एक मिनट रुको, टू टाइम्स ऑफ नहीं सॉरी यू प्लस वी का स्क्वायर, U प्लस नहीं है U क्रॉस V का स्क्वायर, ठीक है प्लस टू टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस मतलब U डॉट V प्लस V डॉट दिस V डॉट U क्रॉस V प्लस दिस इंटू दिस मतलब U डॉट U क्रॉस V, ऐसा कुछ फाइनली ये आ जाएगा हमारा, ठीक है इन सबको ओपन करके ऐसा ही कुछ आएगा, देख पा रहे होंगे। ओके अब क्या करें, पहले तो यहां पे देख लो, यहां पे देखो ये है यू वी और ये बॉक्स बनाएगा, बॉक्स के दो एलिमेंट सेम है वी वी और यू यू सेम है तो ये जीरो बन जाएंगे, इसमें कुछ खास बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इट इज जीरो एंड इट इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। अब यहां पे जस्ट हमारे पास ये बचा है यू डॉट वी और ये है वी प्लस यू। अब तुम्हें पता है इसे हमें मॉड्यूलस की फॉर्म में चेंज करना है, मॉड्यूलस फॉर्म, ठीक है तो इन्हें सबको मॉड्यूलस की फॉर्म में चेंज करूंगा और इसे लिखूंगा u एंड मॉड्यूलस ऑफ v स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, यहां क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा 2 u v, ठीक है u v क्या cos थीटा अगेन, ऑल राइट बच्चों ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट दिस, ठीक है ये भी ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें, अगर लिखा हुआ है ना वेक्टर a का स्क्वायर, इट इज नथिंग बट a डॉट a, क्या है a डॉट a जो कि किसके इक्वल होता है इसके, ये ध्यान रखना, ठीक है चलिए ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे और ये आ गया u का स्क्वायर वी का स्क्वायर एंड बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसे देख के मुझे पता चल रहा है कि ये कुछ बना लेंगे अपने आप, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये क्या आ गया टू यू वी एंड कॉस थीटा, ये तो कट रहा है बेटा, इसे तो करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो कट गया, ठीक है ये कट हो गया, इन दोनों को इन तीनों को एक साथ ले लो, वन प्लस u स्क्वायर एंड v स्क्वायर और इनको एक साथ ले लो, इनमें u स्क्वायर एंड v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वन होता है, ये आ गया, ये आ गया और ऑब्वियसली ये चीज इसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी, आई होप सो, देख लेता हूं फिर भी, ठीक है देखें, देखो कैसे करते हैं तुम्हें बहुत अच्छे सिखा रखा है, ये दोनों ये वही है एक्स वाई एक्स वाई प्लस वन, वही फॉर्म है या नहीं, इसमें क्या करते हैं कॉमन ले लो पहले एक्स वाई प्लस वन और डायरेक्ट बना हुआ रखा हुआ है वाई प्लस वन, तो एक्स प्लस वन एंड वाई प्लस वन आ गया, ठीक है और यहां पे एक्स कौन है
यू का स्क्वायर प्लस वन एंड वी स्क्वायर प्लस वन, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट बच्चों, तो ऐसे करते हैं, बहुत इजी, बहुत इजी। तो ऐसे प्रूव कर सकते हो आप अगर कोई ऐसा कुछ रिजल्ट आता है तो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्या है देख सकते हैं आप, क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस आई प्लस ए क्रॉस जे प्लस ए क्रॉस के। ऑलराइट, तो इसकी वैल्यू हमारे से पूछी गई है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी अगर करना हो तो बहुत इजी तरीका है। लेट कर लो वेक्टर ए, वेक्टर ए एक्स आई वाई जे जेड के, लेट कर लिया। अब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो आई का, तो दिस क्रॉस आई, मतलब आई आई के साथ क्रॉस करोगे तो एक्स आई क्रॉस आई, वाई जे क्रॉस आई और जेड के क्रॉस व्हाट, के क्रॉस व्हाट, के क्रॉस आई। ऑलराइट, तो ऐसा आएगा। तो देखो जल्दी से देखते रहना आप, तो ए क्रॉस आई का मॉड्यूलस कितना आएगा ये देख लेते हैं जल्दी से। तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा क्या वाई, मतलब देखो जल्दी से देखो यहां पे क्या बचेगा, ये लिख के दिखा दूं, ऐसे लिख दूं आई क्रॉस आई, ठीक है, एंड वाई जे क्रॉस के, ओके, एंड जेड के क्रॉस आई। ठीक है बच्चों, ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स, ये जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, तो वाई आई। अच्छा के क्रॉस आई क्या होता है, माइनस जे, नहीं 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 नहीं, प्लस जे, प्लस जे होता है, जे वो के क्रॉस आई है ना, तो के बाद आई आता है, तो ये आ गया जेड आई, मतलब जे जेड जे। तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड्यूलस वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड्यूलस वैल्यू हो जाएगी बेटा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हो जाएगी क्या, नहीं, ठीक है सही से लिख देता हूं, ये हो गई मॉड्यूलस वैल्यू। अब इसका स्क्वायर दिया है, तो इसका स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेटा आई के साथ आई वाला नहीं आया, बाकी आए। सिमिलरली अगर मैं तुम्हारे से पूछूं इसका क्या होगा, तो जे के साथ जे वाला नहीं आएगा, दोनों आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर है। अब अगर मैं तुम्हारे से पूछूं इसका बताओ तो क्या बोलोगे, के वाला नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, तो लिख दिया मैंने एडिशन विल बी, एडिशन क्या हो जाएगा, देखो ऐड करो तीनों को, दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या आएगा टू टाइम्स ऑफ, टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, जो ऑप्शंस हैं वो कुछ ऐसे दे रखे हैं, मैं तुम्हें दिखा दूं कि ये हो जाएगा कि नहीं, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर कट वाइज, तो बेटा ये आंसर आ गया। तो कभी भी अगर कुछ ऐसी इक्वेशन दी जाए तो ए को लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, उस हिसाब से आपका आंसर मैच हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।